गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉकिंग फार्मा। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस दी एमसीक्यू ऑन माइक्रोबायोलॉजी चैप्टर थर्ड। तो चैप्टर का नेम है स्टरलाइजेशन। तो स्टरलाइजेशन क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच एन आर्टिकल, सरफेस और मीडियम इज अ फ्री ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आइदर इन अ वेजिटेटिव और स्पोर्स फॉर्म। तो इसमें क्या होता है, इस मेथड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं जो हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस और फंगाई होते हैं। तो इसमें डिफरेंट मेथड यूज होते हैं, जिसमें फिजिकल मेथड में आते हैं ड्राइंग मेथड, हीटिंग मेथड और रेडिएशन। मैकेनिकल के अंडर आते हैं फिल्ट्रेशन मेथड, और केमिकल के अंडर आते हैं अल्कोहल, एल्डिहाइड और फिनॉल्स। ये सभी डिफरेंट मेथड यूज़ करके हम किसी मीडियम को या सरफेस को हम स्टरलाइज कर सकते हैं। लेट वी स्टार्ट दी एमसीक्यू फर्स्ट। द प्रोसेस ऑफ किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग स्पोर्स इज कॉल्ड व्हाट? तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो उसमें ऑप्शन से फर्स्ट वन इज डिसइंफेक्शन, सेकंड वन इज फिल्ट्रेशन, थर्ड वन इज स्टरलाइजेशन एंड फोर्थ वन इज सैनिटाइजेशन। तो करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, स्टरलाइजेशन कहते हैं उस मेथड को। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, पैराफिन ऑयल कैन बी स्टरलाइज बाय। तो पैराफिन ऑयल स्टरलाइज कौन सी मेथड से करते हैं हम? तो उसमें ऑप्शन से फर्स्ट वन इज फिल्ट्रेशन, सेकंड वन इज डिसइंफेक्शन, थर्ड वन इज ऑटोक्लेव एंड फोर्थ वन इज हॉट एयर वन। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, हॉट एयर वन यूज करते हैं हम पैराफिन ऑयल को स्टरलाइज करने के लिए। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, बेस्ट ऑटोक्लेविंग इज एचयूएट। तो ऑटोक्लेव क्या होता है? ऑटोक्लेव इट इज अ मशीन दैट यूज टू स्टीम अंडर प्रेशर टू किल द हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस और फंगाई। ऑटोक्लेव एक मशीन है, उसमें उसके अंडर स्टीम प्रोड्यूस करते हैं। तो उसमें हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर करके हम हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करते हैं, उसमें बैक्टीरिया वायरस को हम फ्री करते हैं। तो ये जो ऑटोक्लेविंग है उसको अचीव करने के लिए कौन सी रेंज सही है? तो उसमें ऑप्शन से फर्स्ट वन इज 120 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर, सेकेंड ऑप्शन है 130 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर, थर्ड ऑप्शन है 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 और 30 मिनट्स, एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 3 आवर्स। तो सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट और 13 मिनट्स। ये बेस्ट ऑटोक्लेविंग अचीविंग की मेथड है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, सिंट्रेड ग्लास फिल्टर इंक्लूड्स। तो सिंट्रेड ग्लास फिल्टर में कौन सी फिल्टर होते हैं? उसमें ऑप्शंस है फर्स्ट वन इज अल्ट्रा फिल्टर, सेकंड वन इज फ्रीटेड ग्लास फिल्टर, थर्ड वन इज मॉर्टन फिल्टर्स एंड फोर्थ वन इज बोथ बी एंड सी। तो सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। तो बी कौन सा है? फ्रीटेड ग्लास फिल्टर, एंड सी कौन सा है? मॉर्टन फिल्टर। ये दोनों फिल्टर सिंट्रेड ग्लास फिल्टर में यूज होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, स्टरलाइजेशन बाय रेडिएशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज। तो रेडिएशन से जो स्टरलाइजेशन होता है तो उसका अदर सिनोनिम कौन सा है और या अदर नेम कौन सा है? तो उसमें ऑप्शन है फर्स्ट वन इज हॉट स्टरलाइजेशन, सेकंड वन इज कोल्ड स्टरलाइजेशन, थर्ड वन इज ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, फोर्थ वन इज नन ऑफ दिस। तो सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, उसे कोल्ड स्टरलाइजेशन कहते हैं जो रेडिएशन स्टरलाइजेशन होता है। हमारा द थ्री पैरामीटर्स ऑफ अ स्टीम स्टरलाइजेशन आर। तो स्टीम स्टरलाइजेशन में कौन से थ्री पैरामीटर होते हैं? तो उसमें फर्स्ट है स्टीम अंडर द प्रेशर, टाइम एंड टेम्परेचर, सेकंड ऑप्शन है टाइम, टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन, थर्ड ऑप्शन है टेम्परेचर, टाइम एंड ह्यूमिडिटी, एंड लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो सही आंसर कौन सा है? उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्टीम अंडर प्रेशर, टाइम एंड टेम्परेचर। ये तीनों पैरामीटर इंपॉर्टेंट है फॉर स्टीम स्टरलाइजेशन के लिए। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, इथिलीन ऑक्साइड इज यूज फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ। तो स्टरलाइजेशन में इथिलीन ऑक्साइड यूज होते हैं, तो उसका यूज़ क्या है? उसमें ऑप्शन है फर्स्ट वन इज कल्चर मीडिया, सेकंड वन इज हॉस्पिटल बेडिंग, थर्ड वन इज क्लॉथिंग एंड सॉइल एंड फोर्थ वन इज ऑल ऑफ द अबव। तो उसका सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों क्लॉथिंग एंड कल्चर मीडिया एंड हॉस्पिटल बेडिंग, ये तीनों यूज होते हैं इथिलीन ऑक्साइड के स्टीम स्टरलाइजेशन में। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, IMVIC टेस्ट इज यूज टू डिफ्रेंशिएट द ग्राम नेगेटिव एंटेरिक बैक्टीरिया बिलोंगिंग्स टू फैमिली। तो IMVIC का फुल फॉर्म क्या है? I फॉर इंटोल टेस्ट, M फॉर मिथिलीन रेड टेस्ट, एंड V फॉर वेगस पॉस्क्यूर टेस्ट, एंड C फॉर सिट्रेट टेस्ट।
तो ये जो आई एम यू एस टेस्ट है वो डिफ्रेंशिएट करती है ग्राम निगेटिव इंटेरिक बैक्टीरिया को. तो उसकी फैमिली क्या होती है उसमें ऑप्शन से फर्स्ट वन इज इंटरोबैक्टीरियासी, सेकंड वन इज अ क्लैमेंडियासी, थर्ड वन इज अ माइकोबैक्टीरियासी एंड फोर्थ वन इज नन ऑफ दिस. तो सही आंसर कौन सा है? उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंटरोबैक्टीरियासी फैमिली होती है उसकी. नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल इंडिकेटर्स ऑफ स्टरलाइजेशन. तो स्टरलाइजेशन में जो केमिकल इंडिकेटर यूज होते हैं तो वो कौन से है? उसमें ऑप्शन से फर्स्ट वन इज वीटनेस ट्यूब्स, सेकंड वन इज हीट सेंसिटिव टेप्स, थर्ड वन इज ब्राउनिश ट्यूब्स एंड फोर्थ वन इज ऑल ऑफ द अबो. तो उसका सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबो. ये सभी यूज होते हैं केमिकल इंडिकेटर स्टीम स्टरलाइजेशन में. नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, फिल्टर ऑफर डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ पोरोसिटी एंड वाइडली फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर फॉर इंडस्ट्रियल एंड ड्रिंकिंग पर्पज आर. तो कौन से फिल्टर यूज होते हैं जो इंडस्ट्रियल और ड्रिंकिंग पर्पज के लिए भी होते हैं, उसकी पोरोसिटी भी वाइडली होती है और डिफरेंशिएट ग्रेड भी होते हैं. उसमें ऑप्शन से फर्स्ट वन इज सिरेमिक फिल्टर, सेकंड वन इज बर्क के फील्ड फिल्टर, थर्ड वन इज बोते एंड बी एंड फोर्थ वन इज सिंटेड ग्लास फिल्टर. तो सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी. तो उसमें सिरेमिक एंड बर्क के फील्ड ये सेम फिल्टर यूज होते हैं जो इंडस्ट्रियल एंड ड्रिंकिंग पर्पज के लिए होते हैं. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. और अगर आपको किसी चैप्टर के ऊपर एमसीक्यू चाहिए हो तो चैप्टर का नेम कमेंट में जरूर बताना.